चंपारण की लौ एक मशाल बनकर आई और देश को नया रास्ता दिखा गई। ये बात उस समय ठीक थी, लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि गांधी का नाम लोगों को ठगने और बहलाने का एक जरिया बन गया। बिहार की धरती से गांधी ने क्रांति की शुरुआत की थी, लेकिन बिहार की राजनीति गांधी और गांधीवाद से काफी दूर हट दी गई और 80 के दशक में राजनीति का अपराधीकरण दिखाई देने लगा। ये क्रम आगे बढ़ता गया और 90 के दशक के बाद अपराध का राजनीतिकरण गांधी के सारे आदर्शों को मुंह चिढ़ाने लगा। सादगी को भूलकर नेताओं ने ठाट बाट की जिंदगी अपना ली, लेकिन नाम और दुहाई वो गांधी की ही देते रहे। उनकी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, फिर भी एक के बाद एक घोटाले सामने आते रहे। गांधी का सर्वधर्म प्रार्थना सभा तक ही सीमित रह गया और मौका परस्त राजनीति ने संप्रदायवाद का खेल खूब खेला। नतीजा ये हुआ कि राजनीति में पैसे और बाहुबलियों के हाथों खिलौना बन गया है। अपहरण और हत्याओं का दौर जारी है। पुलिसिया जुल्म की कहानियां सबकी जुबां पर रहती है। प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार की खबरें रोज रोज आ रही हैं। इन सब के बीच गरीबों की आवाज बनने के नाम पर कुछ लोगों ने हिंसा का एक और रास्ता खोल दिया है। नक्सली संगठन के नाम पर खूनी खेल शुरू हो गया है। गांधी के आदर्शों को धाराशायी होते हुए हर तरफ देखा जा सकता है।